मंथ में 8 to 10 KG लॉस किए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उनको लाइक करने के लिए, उनपे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए और मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए आप सबको बहुत सारा थैंक यू गाइज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। वो है एक वेट लॉस ड्रिंक की रेसिपी, जो कि बहुत ही सुपर वेट लॉस देता है, स्पेशली हमारे बेली एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर ड्रिंक है ये। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजवाइन टी के बारे में या अजवाइन पानी के बारे में। इसे हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं। ये PCOS और PCOD के केस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो फ्रेंड्स, अजवाइन के ना बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहली चीज़ डाइजेशन। तो जब भी डाइजेशन के केसेस में और इनडाइजेशन के केसेस में और एसिडिटी के प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो जब भी हम अपना वेट लॉस करने जाते हैं ना, या हम सोचते हैं कि हमें वेट लॉस अपना करना है, तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है हमारा डाइजेशन और हमारा सिस्टम। अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है और हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, तो फिर हमारा वेट लॉस नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो होती है ना, हमारा डाइजेशन ही होता है। क्योंकि हम किसी भी खाना को खाते हैं, अगर वो हमारा खाना है डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर हमारा वेट लॉस नहीं होगा। तो अगर हमारा डाइजेशन सही है, अगर हमारा सिस्टम सही है, तो फिर हमारा वेट लॉस बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कैरम सीड्स के बारे में। तो फर्स्ट थिंग कि ये डाइजेशन के केसेस में, एसिडिटी के केसेस में बहुत ही ज़्यादा सुपर वर्क कर, और ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, एक्ने की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के केसेस में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और आप इसे सुबह खाली पेट या रात के समय में, आपको जब भी ठीक लगे आप ले सकते हो, या जब भी आप जगते हो ना, तो सुबह खाली पेट या रात को खाना खाने के बाद आप ले सकते हो। क्योंकि ये PCOD और PCOS में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है और ये हमारे इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो फ्रेंड्स, अजवाइन टी के ना बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि इसकी तासीर जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। तो ऐसा नहीं है कि इसे हम वेट लॉस जिसे करना है वही ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे नॉर्मल लोग भी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि अजवाइन सीड्स लेने से, अजवाइन का पानी पीने से, सबकी हेल्थ इशू जो भी होती है ना, सब बहुत ही नॉर्मल रहती है, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। तो ये कभी कभी ना हमारे कफ ग्लू में भी बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। क्योंकि क्या है कि जब कभी मौसम चेंज होता है और सीजन चेंज होता है ना, तो हमारे गले में खसखस या कुछ भी होती है, तो अजवाइन का पानी पीने से ना ये सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से ख़त्म होती है। तो हम बहुत ही जल्दी दवाइयों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम अजवाइन का पानी पीना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे हर एक चीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है अजवाइन का पानी। तो अगर आप इसे आज से ही पीना स्टार्ट करते हैं, इसका सेवन आज से ही करना स्टार्ट करते हैं, तो ये मंथ में आपको 8 to 10 KG वेट लॉस बहुत ही आसानी से देगा। अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, जंक फूड को एकदम ही अवॉइड करते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से 1 month में 8 to 10 KG वेट लॉस मिल सकता है। जी हाँ, ये मैं आपको बहुत ही दावे के साथ बोलती हूँ कि अगर अजवाइन टी का सेवन सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के बाद अगर आप लेते हैं, तो आपका वेट लॉस 8 to 10 KG मंथ में होगा, बहुत ही अच्छे से होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक वीडियो में एक चीज़ बहुत ही अच्छे से शेयर कर, मैं 32 बार फार्मूला की जर्नी तो करती ही हूँ, लेकिन मैं अजवाइन पानी डेली पीती हूँ, जो कि मैं आप लोग के साथ हर एक वीडियो में शेयर करती हूँ कि जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो उसके बाद मैं एक फैट कटर ड्रिंक लेती हूँ। तो जी हाँ फैन, ये जो फैट कटर ड्रिंक है ना, ये अजवाइन वाटर ही है। मैंने इस पर स्पेशली वीडियो इसलिए बनाया कि जब मैं एक्सरसाइज के बाद ये पानी पीती थी ना, तो लोग, आप लोग उसे सीरियस नहीं लेते हो। और 2-3 लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि हमें डाइट भी ना करना पड़े, हमें एक्सरसाइज भी ना करना पड़े, आप कुछ ऐसी ड्रिंक बताइए जिससे कि हमारा वेट लॉस बहुत ही तेज़ी से हो जाए।
तो फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ें बताती हूँ कि आपको डाइट तो फॉलो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। आप आधा घंटा नहीं करेंगे ना तो 5 या 10 मिनट तो आपको करना ही है। लेकिन आप इसके साथ साथ ये अजवाइन टी आप एकदम आज से स्टार्ट कर दें, ये आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि अजवाइन टी पीने से हमारा पेट जो होता है ना एकदम क्लियर होता है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना बहुत ही आसानी से और तेज़ी से डाइजेस्ट होने लगता है। और जब आपका कोई चीज़ डाइजेस्ट होने लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगेगा ना, तो फिर सोचो कि आपका वेट लॉस क्यों नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा, बहुत ही ज़्यादा। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप वेट लॉस में एक्सरसाइज भी करती हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, 30 से 35 मिनट की एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं एक हेल्दी डाइट भी फॉलो करती हूँ और मैं फैट कटर ड्रिंक पर डे लेती हूँ पर डे। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं ड्रिंक ना लूँ, तो इसीलिए मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अजवाइन पानी लें, क्योंकि अजवाइन पानी सबके लिए बेनिफिट करती है, सबके लिए, सबके लिए। यानी कि अगर आप इसको अपने डेली लाइफ में ऐड कर लेते हैं ना तो आपका कभी वेट बढ़ेगा ही नहीं। अगर आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं तो फिर आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत ही नहीं। अब तो ये कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो चलिए आइए इसकी रेसिपी देखते हैं कि ये कैसे बनती है और कितना टाइम लगता है। मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि अजवाइन टी आखिर बनाते कैसे हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक इलेक्ट्रिक मग और इसमें मैं डालूँ 1 गिलास पानी और उसमें हम अब डालेंगे अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है तो मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें अजवाइन, और उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट उबालेंगे। तो ये ड्रिंक मेरा बन के बिल्कुल ही तैयार है। इसे 2 मिनट मैंने उबाल लिया और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इसे ग्लास में छान लूँगी और बस इसे मैं गर्मा गर्म तुरंत से पी लूँगी। तो सो सिंपल है ना गाइस, इसे बनाना और पीना बहुत ही आसान है। तो आप भी इसे बनाइए और अपना फैट लॉस कीजिए। तो गाइज है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। सिर्फ और सिर्फ ये 2 मिनट में ड्रिंक बन के तैयार हो जाती है। तो आप इस ड्रिंक का सेवन आज से ही, अभी से ही पीना स्टार्ट कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा फैट लॉस, इंच लॉस इतना ज़्यादा देता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सो प्लीज़ आज से ही आप ये ड्रिंक पीना स्टार्ट कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये ड्रिंक आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट किया। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो इसलिए बनाती हूँ ना कि आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करो और सभी लोग अपना वेट लॉस करें। क्योंकि अभी ना वेट लॉस करना बहुत ही सबके लिए एक टारगेट सा बन गया है, तो आप इसे एक टारगेट ना लें, इन सब चीज़ों को फॉलो करें और बहुत ही तेज़ी से अपना वेट लॉस करें। फ्रेंड्स मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया है, मैं आपको सुबह से लेकर नाइट की रूटीन डेली तो ऐसे शेयर करती ही हूँ, पर डे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे कब क्या लेती हूँ, उनमें हमारा अजवाइन टी कितना ज़्यादा मायने रखता है, ये सब भी मैं आपको शेयर करती हूँ आज। क्योंकि मैं अगर मैं चाहूँ ना तो डेली ये 10 मिनट बातें करके आपको समझा सकती हूँ, बट मैं अपनी वेट लॉस जर्नी विथ डेली रूटीन इसलिए शेयर करती हूँ ना कि कैसे हम अपने लिए भी हर एक चीज़ में से टाइम निकाल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग, मैं जब भी सुबह जगती हूँ ना तो सबसे खाली पेट में पहले गर्म पानी लेती हूँ। मतलब आपको ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सीधा गर्म पानी लेना है। अगर आपको मन करे तो आप अजवाइन टी भी ले सकते हो, बट मैं सबसे पहले गर्म पानी लेती हूँ और गर्म पानी लेने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है और मैं एक्सरसाइज पर डे 30 मिनट करती हूँ। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा करने स्टार्ट कर दी ना तो मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, बट 30 मिनट से कम कभी नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं लेती हूँ यही फैट कटर ड्रिंक यानी कि अजवाइन टी। ये मेरा डेली का रूटीन है, अजवाइन टी लेती ही लेती हूँ। और अजवाइन टी लेने के बाद हम लेते हैं एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में कभी भी बहुत ज़्यादा रोटी ये सब चीज़ों को ना खाइए, अगर आपको तेज़ी से वेट लॉस करना है तो। मैं कभी कदार ही रोटी या पराठा लेती हूँ। वैसे अगर आप 32 बार फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं ना तो ये सब चीज़ें भी आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी। उनके अगर छोटे छोटे बाइट करके खाते हैं तो रोटी पराठा भी आपके वेट लॉस में कोई दिक्कत नहीं करेगा, अगर आप उनको छोटे छोटे बाइट करके उनको अच्छे से चबा के खाएंगे तो। तो ये तो रहा हमारा ब्रेकफास्ट। मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में ओट्स की रेसिपी लेती हूँ या दलिया लेती हूँ, ज़्यादातर मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ या तो मैं स्प्राउट्स लेती हूँ, इन्हीं सब चीज़ों को लेती हूँ।
और उसको लेने के बाद, उसके बाद अगर मुझे भूख लगती है ना तो मैं पानी पीना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, नहीं तो मैं नारियल पानी ले लेती हूँ, या अगर समर का टाइम है तो खीरा वगैरह ले लीजिए। विंटर में तो हमेशा ठंडी ठंडी चीज़ें आप नहीं खा सकते हो। उसके बाद मेरा लंच टाइम होता है, तो लंच टाइम में बहुत ही ज़्यादा मैं सबसे पहले सैलड ऐड करती हूँ। मैं लंच टाइम में सैलड को बहुत ही ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ। उसके बाद मैं एक रोटी, आप जब भी कोई खाना खाएं ना तो चावल और रोटी साथ में ना खाएं, या तो आप चावल खाइए या तो आप रोटी खाइए, ठीक है। कभी कदार ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों को फॉलो करें, बट अगर आपको स्टार्टिंग से आपकी जर्नी लेके चल रहे हो तो कम से कम आप 2 महीने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। सो एक रोटी, बहुत सारा सलाद लीजिए और बहुत सारी हरी सब्जियों को ऐड कीजिए और आप खाइए, आपका पेट भर जाएगा। अगर आप सलाद और सब्जी की मात्रा एक्स्ट्रा करते हैं ना तो आपका एक रोटी से भी पेट भर जाएगा। अगर आपके पेट नहीं भरते एक रोटी से तो आप वहाँ पे 2 रोटी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये लंच टाइम है हमारा, तो लंच टाइम के बाद डिनर में हमें काफ़ी समय मिलता है, तो ये खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप पानी लेंगे, और पानी भी आप हल्का गर्म ही लेंगे। अगर आप हो सके तो ज़्यादा गर्म भी पी सकते हो, हॉट वाटर भी ले सकते हो, सिप सिप करके पी सकते हो। सो उसके मतलब खाना खाने के आधा घंटे के बाद आप पानी लेंगे और 1 घंटे के बाद आप एक ग्रीन टी लेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको वेट लॉस जर्नी बता रही हूँ अपनी, मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं यही चीज़ें खाती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ, सब मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ले लेते हैं ग्रीन टी, यानी कि शाम के समय में, शाम के समय यानी कि 3:30-4 बजे के करीब आप ले लेंगे। और उसके बाद रही इवनिंग में स्नैक्स की, तो स्नैक्स में आप या तो पॉपकॉर्न ले लीजिए, नहीं मखाना को फ्राई कर दीजिए, या मूंगफली को थोड़ा बहुत रोस्ट कर लीजिए। उसके साथ अगर आपको चाय पीने की आदी है, टी लवर है मेरी तरह, तो आप स्टार्टिंग में ना चीनी को एकदम अवॉइड कर दें, चीनी को एकदम कट कर दें अपनी लाइफ से, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस है ना तो सबसे पहले आपको शुगर ही छोड़ना पड़ेगा। और उसमें आप ऐड कर दीजिए गुड़ की चाय, और थोड़े दिन के बाद आप थोड़ी थोड़ी शक्कर की चाय ले सकते हो, लेकिन कभी भी शक्कर वाली चाय खाली पेट आपको नहीं पीना है, ठीक है। सुबह में तो आप एकदम ही छोड़ दो चाय पीना, ओके। और उसके बाद फिर नाइट में, और सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है ना, वो हमारा नाइट का डिनर होता है। आप अगर वेट लॉस जर्नी पे है तो रात का डिनर आप एकदम 7 बजे तक ले ले, हार्डली 7:30 बजे तक, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और रात का डिनर हमारा 7:30 बजे तक एकदम हो जाना चाहिए, और रात के डिनर करने के बाद आप 10 से 15 मिनट वॉक कर ले, और उसके बाद एक ग्रीन टी ले ले या तो अजवाइन टी ले ले, मतलब ये दोनों में से कोई एक चीज़ ले ले। अजवाइन टी लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा अजवाइन पानी पीती थी, उसके बाद से मैं ग्रीन टी पीने लगी हूँ। तो यही है हमारी वेट लॉस की चीज़ें, मैं सुबह से शाम तक ऐसे ही पीती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही आपको क्लियरली बता दिया हुआ कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी कैसे शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ें मैं आपको अगर बता दिया ना तो 10 मिनट में मेरी बातें ख़त्म हो गई, और आप इसे सुन भी लेंगे और इससे फिर 1 दिन 2 दिन तो फॉलो करेंगे, और तीसरे चौथे रोज आप नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कब तक ऐसा चलेगा, क्या हम ऐसे ही खाना खाते रहेंगे, क्या हम ऐसे ही वेट लॉस जर्नी पर रहेंगे। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, और हाँ, आप अपनी वेट लॉस जर्नी बहुत ही सीरियसली लेके चलिए। 1 to 2 मंथ अगर आप कंटिन्यू इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं ना, तो फिर आप मंजिल को पा लेंगे, यानी कि आप अपना वेट लॉस कर लेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यही सब चीज़ें हैं। तो मैं उन सारे कमेंट, जितने मुझे कमेंट्स आए थे ना, मैं हो सके तो मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर चुकी हूँ। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल पूरा सुने और देखें, स्किप ना करें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, करें। तो चलिए, मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आप वीडियो पे नए, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, कल मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।